नमस्कार दोस्तों, मैं राजन इलेक्ट्रिशियन, आपका यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एक अलग ही वीडियो बनाया हूं और यहां पर मैं एक हाई स्पीड का पंखा है, इसका फिटिंग और कनेक्शन कैसे करते हैं मैं आप लोगों को दिखाऊंगा और इसकी जानकारी भी आप लोगों को हो जाएगी। और यह फ़ैन बिल्कुल कम वाट का है, 10 वाट का है और यह बिजली बहुत कम यूज होता है इससे और आपका रीडिंग मीटर का कम आएगा। बिल्कुल नया है ये, अभी मार्केट में हाल ही में आया हुआ है, न्यू ब्रांड है और बिल्कुल ये पैक है। मैं इसे ओपन कर रहा हूँ और फिर कैसे इसकी फिटिंग करेंगे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ये देखिए, इसका कैप है और इसका ये सर्कल है, इसमें नट बोल्ट लगा हुआ है और इसका एक रॉड भी है इसके साथ में और इसकी पत्ती है और ये गारंटी कार्ड है, 2 साल का गारंटी है इस फैन का। और यह बिल्कुल कम वाट का है, 10 वाट का है और यह फैन हाई स्पीड है, इसका 4 पत्ती है। ये देखिए, इसमें ब्लेड रखा हुआ है, अभी मैं आप लोगों को ब्लेड ओपन करके दिखाऊंगा और इसका फिटिंग भी कैसे करते हैं। बेहद ही आसान तरीके से है, बहुत इजीली है, आप लोग इसे देखेंगे तो इसकी जानकारी आपको हो जाएगी। ये देखिए, इसका रोड इसका 9 इंच का है, बहुत ही छोटा है और मकान का हाइट लगभग 15 फीट है तो इस वजह से नीचे हवा आएगा नहीं, तो मैंने 2 फीट का रॉड ला के रखा हुआ है। तो इस रॉड को यहाँ पे हम लगाएंगे 2 फीट वाला और फैन को मैं ओपन कर रहा हूँ, ये भी पैक है। देखिए, यहाँ पर मैंने फ़ैन बाहर निकाल दिया है और ये नट जो लगा हुआ है इसे खोल के बाहर निकालना है, इसको ड्राइवर से आराम से इसे निकालें, खोल के बाहर रख लें चारों नटों को। और जब तक मैं नट खोल रहा हूँ तब तक आप प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे इस चैनल को और लाइक भी कर दीजिए। देखिए, यहाँ पर नट खुल गया है। अब ये जो ब्लेड आप देख रहे हैं, इसका 4 ब्लेड है, इन चारों को यहाँ पर फिट करना है। ये देखिए, उल्टा है और ये सीधा है, तो हमें उल्टा जो है वो नीचे लगाना है और सीधा ऊपर लगाना है। देखिए, उल्टा ऊपर लग गया है, ऊपर की तरफ। ये दूसरा ब्लेड है इसका और मैंने चारों ब्लेड को लगा दिया है, इसका जो नट था मैंने कस दिया है और यहाँ पर देखिए इसका कनेक्शन करना है। और ये रॉड देखिए 9 इंची का है, इसे नहीं लगाना है, ये बहुत ही छोटा है। 2 फीट का रॉड यहाँ पर पहले से ही आया हुआ है, मैंने रखा है लाकर और इसे लगाना है। ये देखिए, रॉड 2 फीट का रॉड है, ये इसे लगाने से हाइट जो फैन का हाइट है ये थोड़ा नीचे हो जाएगा तो हवा नीचे अच्छा लगेगा। और ये जो पाइप देखिए, हल्का सा कट मारा हुआ है तो वहाँ से वायर निकलता है। और ये कैप है, इसमें देखिए 2 कैप है, एक कैप ऊपर की तरफ होगा, एक कैप नीचे की तरफ होगा। तो कैप के ऊपर जो लिखा हुआ आता है, जो भी चीज़ लिखा हुआ होता है वो बिल्कुल ऊपर की तरफ रहेगा। देखिए, यहाँ पर ये लिखा हुआ है कुछ, तो ये ऊपर की तरफ रहेगा। जहाँ फैन के रॉड पे देखिएगा आप, कट जो कट रहता है वो कट नीचे की तरफ रहता है, जो कट नहीं है उस पर ये सीधा वाला कैप ऊपर की तरफ रहेगा और कट जो है वो नीचे की तरफ रहता है। देखिए, जो कट है ना पाइप का कट, ये कट नीचे की तरफ ही लगाना, ऊपर नहीं लगाना चाहिए क्योंकि ऊपर लगाने से ये प्रॉब्लम हो जाता है। तो नीचे देखिए, अभी मैं ये पाइप को फिटिंग करूँगा और पाइप में तार कैसे डालते हैं मैं आप लोगों को आज ईजिली बताऊँगा। देखिए, जो कट है वो नीचे की तरफ रहेगा, जो आप छेदा देख रहे हैं ना, ये छेद पाइप में देखिए, ऊपर 2 छेद, 2 छेद नीचे है, जो नीचे वाला छेद है इसमें से तार डालना है और ये नीचे आके निकलेगा ऊपर वाले छेद में। ये जो ऊपर वाला नीचे वाला छेद है इसमें, हाँ, इसमें ये निकलेगा,
दो वायर को आपस में जोड़ के फिर आप हल्का से इस छेद में डालिए और हल्का हल्का पुश करेंगे तो नीचे वाले छेद से ये निकल जाएगा। देखिए यहाँ पर आ गया है, इसे मैं बाहर निकाल लेता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने बाहर निकाल दिया है। अब इसका जो नट और बोल्ट है उसे लगा कर टाइट करना है इस रॉड को ताकि मजबूत रहे, और कभी भी आप नट को हमेशा रिंच के सहायता से टाइट करें क्योंकि टाइट करने से पंखा कभी गिरेगा नहीं और मजबूत रहेगा, चलने पर हिलेगा नहीं। इसमें देखिए ये जो नट मैं लिया हूँ ये नीचे का रॉड नट बोल्ट है और ऊपर का अलग है। तो नट बोल्ट लगाने के बाद देखिए मैं यहाँ पर लगा दिया हूँ और यहाँ पर ये चीरा पिन इसको बोलते हैं, नट लगाने के बाद जो हल्का सा छेद रहता है नट में उसमें एक चीरा पिन आता है, तो चीरा पिन को ज़रूर डालें क्योंकि अगर कभी नट ढील हो गया तो चीरा पिन उसे रोक लेता है, नट बाहर नहीं आने देता है। मान लीजिए अगर आपके पास चीरा पिन नहीं है तो आप उसमें कुछ डाल सकते हैं जैसे कि कोई कील वगैरह या कोई तार जिससे कि चीरा पिन का यह काम करे। देखिए एक तार ऊपर लगाना है हमें और एक तार नीचे, इसमें दो पॉइंट होता है कनेक्शन के लिए, तो एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ कनेक्शन दे के ऊपर की तरफ मैंने वायर देखिए बाहर निकाल दिया हूँ। अब इस फैन ये लगभग फैन कंप्लीट हो गया इसका कनेक्शन, और जिस तरफ आप ये देख रहे हैं ये फैन के नीचे से मोटर से आया हुआ कनेक्शन, उस तरफ हमें नहीं छूना है, जो इस जगह पे खाली रहता है वहाँ पे ही कनेक्शन देना है। और ऊपर का ये जो सर्कल है मैंने यहाँ पे भी लगा दिया है और टाइट कर दिया हूँ। और देखिए यहाँ पर फैन टांगना है इस हुक में और मैंने पंखा टांग दिया है। अब मैं इसे आपको देखिए आप कनेक्शन किस तरह से किया हुआ है, इसका जो दो वायर था यहाँ पर पॉइंट पहले से छोटा हुआ था या सीलिंग रोज है, इसमें से यह कनेक्शन खोल के दे दिया हूँ मैंने। अभी देखिए मैं इसे चालू करता हूँ तो आप देखेंगे किस तरह से चलता है। देखिए चालू कर दिया हूँ स्विच को मैं। तो दोस्तों इस वीडियो अगर आपको अच्छी लगे हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना और सब्सक्राइब भी करिएगा। और उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छी लगा और मैं अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।